हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन क्या है। हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिससे हमारे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके, उसी को विटामिन कहते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी दो फॉर्म में पाया जाता है, D2 और D3। D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जिसकी सिंथेसिस प्लांट में होती है, और D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं जिसकी सिंथेसिस एनिमल और ह्यूमन के स्किन में होती है। अब बात करते हैं विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है। सबसे नेचुरल चीज़ जो है वो है सनलाइट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सूरज की रोशनी से स्किन जो है वो विटामिन डी बना लेती है। बाकी की चीज़ों में है एग योक, चीज़, फिश लिवर ऑयल और फैटी फिश, इससे भी विटामिन डी मिलता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऊपर से मिलाई जाती हैं, किसी चीज़ में आयरन मिलाते हैं, किसी चीज़ में कैल्शियम मिलाते हैं, ऐसे ही विटामिन डी भी मिलाया जाता है कुछ चीज़ों में। वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड होती हैं। आप पैकेट पे चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेकर आप परचेस कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दूध पीते हैं तो दूध से आपको कैल्शियम तो मिलता है, लेकिन कैल्शियम आपको सही से मिल सके इसके लिए आपको विटामिन डी भी चाहिए होता है। विटामिन डी हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि विटामिन डी कोलन, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि विटामिन डी इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है और डायबिटीज़ मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज़ का कहना ये भी है कि डायबिटीज़ टाइप 1 में भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, और जो उम्र दराज लोग हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। आपकी हड्डियों में दर्द बना होता है, बैक पेन होता है, जल्दी थक जाता है इंसान, बार बार बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, मसल्स में भी पेन होते हैं, और जो हमारे घाव बन जाते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन डी की कमी लंबे समय से बने रहने से आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ब्रेन्स और नर्व से जुड़े हुए कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की डेली कितनी ज़रूरत होती है। जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की ज़रूरत होती है। जो बच्चे 1 साल से 13 साल तक के होते हैं उनको 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की ज़रूरत होती है। 13 से 70 साल तक के लोगों को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की ही ज़रूरत होती है। जो लोग 70 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आप नहीं जानते। अगर विटामिन डी की कमी से प्रॉब्लम होती है तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले लेने से भी बॉडी में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। विटामिन डी की डेली डोज अगर ज़्यादा होती है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। 6 महीने से छोटे बच्चे को अगर 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ज़्यादा मिलता है तो उसको भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। 1 साल से के बच्चे को 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ज़्यादा होता है तो उसमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। 1 से 3 साल तक में 2500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ऊपर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और 19 साल से ऊपर के लोगों को 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ऊपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी से जुड़े हुए लक्षण की। उसमें वेट लॉस होने लगता है, भूख नहीं लगती है, किडनी में स्टोन बन सकता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ सकती है, हार्ट में एरिथमिया हो सकता है, वस्कुलर और टिश्यू कैल्सिफिकेशन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से, ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है, किडनी को डैमेज हो सकता है, हार्ट को डैमेज हो सकता है, इवन पैनक्रियाटिक कैंसर तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी किस तरह के लोगों में अक्सर देखी जाती है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं यानी कि मदर मिल्क पे होते हैं
उनको 25 से 78 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक ही मिलता है, लेकिन उनको ज़रूरत होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक की। इसीलिए छोटे बच्चों को जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनको भी विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। जो लोग घर के अंदर ज़्यादा होते हैं, धूप में बाहर नहीं निकलते हैं, या वो घर से काम करते हों या घर के काम करते हों, ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद स्किन में भी विटामिन डी आसानी से नहीं बनता। अगर धूप में इंसान बैठा होता है उसके बाद भी स्किन एफिशिएंटली विटामिन डी को नहीं बना पाती है, इसीलिए ओल्डर पीपल में भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इस तरह की डिजीज़ में भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है, क्योंकि विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। जिन लोगों की बॉडी में फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है या वज़न ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी विटामिन डी की मात्रा कम मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट जो है वो जब स्किन में विटामिन डी बन जाता है तो उसको वो सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचने देता। ऐसा देखा गया है कि मीनोपॉज के टाइम पर बोन डिसॉर्प्शन ज़्यादा होता है लेकिन बोन डिपोजिशन कम हो जाता है, उस समय भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। और बोन डिपोजिशन भी हो सके इसके लिए विटामिन डी देना ज़रूरी हो जाता है। अगर स्किन का कलर डार्क होता है तो इसका मतलब है कि मेलानिन का पिगमेंटेशन वहाँ ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मेलानिन का प्रेजेंट होना स्किन में विटामिन डी को नहीं बनने देता है, इसीलिए डार्क स्किन में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर लोग धूप में काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी आपके में है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे एडवाइस लें कि विटामिन डी के लेवल के लिए आपको कौन सा टेस्ट करा लेना चाहिए। किसी भी तरह की दवा लेने से पहले आप अपना ब्लड विटामिन डी का टेस्ट करा लें, ताकि आपको पता हो कि आपके में विटामिन डी जो समय अवेलेबल है वो कितना है। ये सुपर D3 की टैबलेट आती है, इसको वीकली एक दिन लेना होता है और ये बहुत ही पैलेटेबल है, च्यूएबल है, आप आसानी से खा सकते हैं। जिस दिन आप इसको लेते हैं उस दिन एक इसमें सर्किल दिया है, उस पर आपको टिक करना होता है, उसके 7 दिन बाद ही आप दूसरी ले सकते हैं। जो भी विटामिन डी की टैबलेट आप मार्केट से परचेस करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो ब्रांड है वो सही हो। आप किसी ऐसी कंपनी से चीज़ें ना ले लें जिससे आपको सही चीज़ भी ना मिल रही हो। बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो इसलिए आप रोज़ कम से कम 10 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठें। इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन का यूज़ ना करें, क्योंकि सनस्क्रीन का यूज़ करने से भी आपको विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पर मिल सकें इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।